दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने दो कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि 1 साल वैलिडिटी के साथ और 6 महीने वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और काउंसलर द्वारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को सिस्टमेटिकल ऑर्डर से भी देख सकते हो, और अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहो तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फ्री नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो 3 डॉट है उसमें आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने वाले हैं इम्पैक्ट इंसिडेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स के बारे में। तो कई बार सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो उस टैक्स के बर्डन को दूसरे व्यक्तियों पे डालने में सफल हो जाता है, कुछ परिस्थितियों में वो टैक्स के बर्डन को दूसरे व्यक्तियों में डालने पर सफल नहीं हो पाता, और कुछ परिस्थितियों में वो कुछ हिस्सा स्वयं शेयर करता है और कुछ हिस्से को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस चैप्टर में हम उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिस परिस्थितियों में टैक्स के बर्डन को दूसरे व्यक्तियों पर डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता। तो अगर दो कंसेप्ट है बेसिकली, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। तो इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस व्यक्ति पर गवर्नमेंट टैक्स के बर्डन को लगाती है, यानी कि जो व्यक्ति सरकार के पास टैक्स जमा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं टैक्स इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी दवाई की दुकान पर जाते हो और दवाई बाय करते समय आपको दवाई पर GST देनी पड़ता है, तो जो दवाई का विक्रेता है वो टैक्स जमा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सरकार से। यानी कि इस केस में जो इम्पैक्ट हुआ वो दवाई के विक्रेता के ऊपर पड़ता है, लेकिन कई परिस्थितियों में जो दवाई का विक्रेता है वो अपने टैक्स के बर्डन को कंज्यूमर से वसूल लेता है। यानी कि अगर वो 5 रुपये भी टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा कराएगा तो वो 5 रुपये कीमत को बढ़ाकर पब्लिक से वसूल लेगा, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंस उस व्यक्ति पे पड़ता है जो टैक्स के बर्डन को आगे की तरफ या पीछे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर सकता, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अंतिम टैक्स बर्डन करता होता है। देखिए, एक बार ऐसा भी कह सकते हो कि टैक्स बर्डन की कंडीशन में एक व्यक्ति अपने टैक्स को दूसरे व्यक्ति पे डाल देता है, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति पे, तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स। यानी कि मान लीजिए दवाई का विक्रेता, यानी कि जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टैक्स लगा, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर से ले लिया, होलसेलर ने रिटेलर से ले लिया टैक्स, रिटेलर ने कंज्यूमर पे डाल दिया, यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में टैक्स एक से दूसरे पर शिफ्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं टैक्स शिफ्टिंग। यानी कि लास्ट में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो सबसे पहले उस व्यक्ति पे पड़ा जिसने सरकार के पास टैक्स जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और इंसिडेंस उस व्यक्ति पे पड़ेगा जो टैक्स के बर्डन को आगे की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंपैक्ट और इंसिडेंस के मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट ऑलवेज लाइज ऑन द पर्सन फ्रॉम हूम इट इज कलेक्टेड, यानी कि जिससे कलेक्ट किया जा रहा है, कई बार बर्डन उस पर नहीं पड़ता, कुछ परिस्थितियों में टैक्स के बर्डन को दूसरे व्यक्तियों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑन दिस बेसिस मॉनिटरी बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इट्स इंपैक्ट इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स के बारे में। तो बच्चों, इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसके ऊपर पड़ेगा? इंपैक्ट ऑफ टैक्स पड़ेगा उस व्यक्ति पे जो जिस पर टैक्स की जिम्मेदारी है, यानी कि जो व्यक्ति टैक्स की जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति पे टैक्स का भार पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करें तो बच्चों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स उस व्यक्ति पे पड़ेगा जो इस टैक्स के बर्डन को दूसरे व्यक्तियों पे टालने में सफल नहीं हो सकता, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि वो अल्टीमेटली टैक्स के बर्डन को बियर करेगा। अब बच्चों, यहां पे जब हम टैक्स बर्डन की बात करते हैं तो उसको 2 सेंसों में लिया जाता है, एक तो मॉनिटरी टैक्स बर्डन के रूप में और एक रियल टैक्स बर्डन के रूप में। मॉनिटरी टैक्स बर्डन का मतलब है कि जिस व्यक्ति लास्ट में जिसने टैक्स को बियर किया है वो कितना टैक्स पे कर रहा है मनी अमाउंट में, और रियल बर्डन का मतलब है कि उसका जो वेलफेयर है उसमें कितनी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो भारत में GST लगता है। अब जो फूड प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए हम मिल्क की बात कर लेते हैं या दही की बात कर लेते हैं या आटे की बात कर लेते हैं जो पैक्ड है, उन पर 5% GST देना है, और जो TV है, फ्रिज है, उन पर 18% GST लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट 18% GST लगा देगी गेहूं पर,
या दूध पर, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बर्डन है मनी बर्डन, तो वो तो बराबर बराबर दिख रहा है आपको मनी बर्डन, क्योंकि टीवी पे भी 18% देना पड़ रहा है और दूध पे भी 18% देना पड़ रहा है, लेकिन रियल बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दूध का प्रयोग गरीब आदमी भी करता है। या हो सकता है कि जो टीवी है वो बहुत बड़ा टीवी में 28% तक जीएसटी लगता है, तो उसका प्रयोग गरीब आदमी तो करेगा नहीं, बहुत बड़े टीवी का प्रयोग। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों कि रियल बर्डन का मतलब, यहां पे जो रियल बर्डन की बात कर रहे हैं, तो रियल बर्डन का मतलब है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपके वेलफेयर में कितनी कमी आई। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम ये भी आपको बता देते हैं कि हम यूजी पीजी यूजीसी नेट तमाम तरीके के कोर्सेज बनाते हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो आप चाहो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां के फुल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको वीडियो कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेगा। तो बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डालने की टैक्स की प्रोसेस को शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स दो तरीके का हो सकता है, फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग। फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग तब कहलाती है जब टैक्स लगता है प्रोड्यूसर के ऊपर और वो धीरे धीरे करके कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक मकान जिसने बनाया, मकान बनाने वाले ने जो टैक्स है वो जो होलसेलर है उसके पास डाल दिया, यानी कि जो जो मान लीजिए मकान किसी ने बनाया उसको किसी और को बेच दिया और उसने पब्लिक को बेचा, तो वो एक तरीके से फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए कपड़े की बात करें तो कपड़े के मैन्युफैक्चर ने कपड़े के होलसेलर से टैक्स वसूला, होलसेलर ने रिटेलर से टैक्स वसूला, रिटेलर ने कंज्यूमर से टैक्स वसूला, ये कहलाता है फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग। इसी तरीके से बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग भी होती है बच्चों। बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग तब कहलाती है जब टैक्स का बर्डन जो है वो बायर, मतलब टैक्स का जो इंपैक्ट है वो बायर पे पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके प्रोड्यूसर कहता है कि यार ऐसा करो, आप तो आपकी इनकम कम हो गई है टैक्स लगने की वजह से, तो कोई बात नहीं, टैक्स का बर्डन हम बियर कर लेंगे। यानी कि ऐसा देखिए दिल्ली नोएडा के बहुत सारे मकानों में हुआ, जहां पर प्रोड्यूसर के द्वारा ये कहा गया कि आप मकान खरीद लो लेकिन इस पर लगने वाली जीएसटी जो है वो उसका पेमेंट हम कर देंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर तैयार है कि भाई सारा का सारा टैक्स बर्डन हम बियर कर लेंगे, आप जीएसटी से मुक्त हो। तो इस तरीके का जो होता है उसको कहते हैं बैकवर्ड टैक्सेशन। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट के बारे में बात समझ में आ गई होगी। यहां पे बच्चों मैं आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूं, जिससे कि आपको इंपैक्ट और इंसिडेंस के बारे में एक और डाउट अगर कोई रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा कि इंपैक्ट इट इज फेल्ट बाय द टैक्स पेयर एट द पॉइंट ऑफ इंपोजिशन ऑफ टैक्स। यानी कि ये तब फील होता है जब किसी व्यक्ति पे टैक्स का इंपोज किया जाता है। इट फेल्ट बाय द टैक्स पेयर एट द पॉइंट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स। यानी कि इसका फील तब होता है जब टैक्स का सेटलमेंट होता है। यानी कि सेटलमेंट का मतलब है लास्ट में जो बियर करता है उसको इसका प्रेशर जो है वो फील होना होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो इट रेफर टू द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स। यानी कि इसका मतलब है कि टैक्स का जो इनिशियल बर्डन पड़ेगा, देखिए इनिशियल बर्डन आप याद रखिएगा, और एक तरीके से ये फाइनल बर्डन है, अल्टीमेट बर्डन की बात कर रहे हैं। इसको शिफ्टेड किया जा सकता है, यानी कि इंपैक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन इंसिडेंस को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों लीगली इसको आप अवॉइड कर सकते हो, आप इससे बच सकते हो। यानी कि दवाई के विक्रेता जो है वो लीगल, उसको ये राइट दिया गया है कि आप दवाई पे जो टैक्स दे रहे हो वो चाहो तो कंज्यूमर से वसूल सकते हो, लेकिन जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है उसको आप लीगली अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इट फेल्ट बाय द पर्सन फ्रॉम हुम दैट द टैक्स इज कलेक्टेड। यानी कि उसके उसको महसूस किया जाता है जिससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और ये उसको द्वारा महसूस किया जाता है जो अल्टीमेटली उसके बर्डन को बियर करता है। यानी कि लास्ट जो व्यक्ति है जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, जो टैक्स के पेमेंट को दूसरे व्यक्तियों पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए ये हमने डिजिटल बोर्ड खरीदा पढ़ाने के लिए, तो इसका जो टैक्स का जो बर्डन है, इस पे जो लगा टैक्स है वो कई लोगों ने हो सकता है भरा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स का भार है, जो टैक्स का बर्डन है वो मुझ पे जाके पड़ा। यानी कि अगर मान लीजिए इसके सेलर ने टैक्स भरा होगा खरीदते समय, तो उसने तो जीएसटी इनपुट ले लेगा। यानी कि अगर मान लीजिए उसने मान लीजिए 100 रुपए का टीवी खरीदा और 18% जीएसटी है, तो उसने खरीदते समय 18 रुपए टैक्स पे किया होगा। अब मान लीजिए उसने मुझे 120 रुपए का बेचा, तो मुझे भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा और बचे हुए जीएसटी का वो टैक्स इनपुट जो है वो ले लेगा। तो ये तरीका बच्चों होता है पूरा का पूरा। डायरेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट इज इंक्लूडेड, और इसके बीच में मॉनेटरी पेमेंट जो है वो इंक्लूडेड होता है। और इसके अलावा मॉनेटरी पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूड इन द इट, और डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट बर्डन इज इंक्लूडेड इन, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मैं डांट देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंपैक्ट कैन बी ऑन अ पर्सन हु कैन नॉट शिफ्टेड इट,
ये इसके ऊपर पड़ेगा, इंपैक्ट कैन बी और पर्सन हु कैन नॉट शिफ्टेड उसके ऊपर इंपैक्ट इंसिडेंट दोनों व्यक्ति पे पड़ सकता है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी इजिली शिफ्टेड अदर्स। ये मुझे लग रहा है दोनों ही गलत हो गए, इसको हटा देते हैं। बेसिकली आपको जो समझाना था वो यही समझाना था कि इस वाले केस में जब इंपैक्ट होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि इंपैक्ट और इंसिडेंट एक ही व्यक्ति पे पड़े, और ये विशेष रूप से तब पड़ता है जब आप टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाते हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंसिडेंस और इंपैक्ट और शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों टैक्स का बर्डन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों में ही डिवाइड होता है, कई परिस्थितियों में सारा का सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, कई परिस्थितियों में सारा का सारा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पर पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें टैक्स के बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा वो डिसाइड होता है। यानी कि हमारा टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि इंसिडेंस यानी कि टैक्स का बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा, ये डिसाइड करने का काम है जो है वो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आ जाए, जिसके बाद हम आप बच्चों को आगे समझाते हैं। देखिए किसी गुड्स का जो प्राइस है वो डिसाइड करने का काम करता है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को होना नहीं है। तो ये मान लीजिए प्राइस डिसाइड हो गया, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम ई है और ये प्राइस जो है वो पी है। अब मान लीजिए टैक्स लगता है, टैक्स लगने का क्या मतलब है कि या तो टैक्स कंज्यूमर पे लगेगा या टैक्स प्रोड्यूसर पे लगेगा, दोनों में से किसी एक पे लगेगा। अब कंज्यूमर पे टैक्स लगने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा। यानी कि ये कंज्यूमर पे टैक्स लगा है, अब टैक्स अमाउंट जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे आ जाए तो यहां से लेके ए से लेके बी ये टैक्स अमाउंट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ये तब है जब कंज्यूमर पे टैक्स लगता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है, प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है तो क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। तो अगर प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है ना बच्चों, तो प्रोड्यूसर पे टैक्स लगने की वजह से ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ऐसे ऐसे, और ये जो बीच का डिफरेंस ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, यानी कि दो सप्लाई कर्व के बीच का डिफरेंस, ये टैक्स अमाउंट कहलाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया टैक्स अमाउंट कितना होता है। अब टैक्स लगने के बाद कीमतें बढ़ भी सकती हैं, हो सकता है कीमत ना भी बढ़े। तो जितनी कीमतें बढ़ती हैं वो सारा का सारा कंज्यूमर बियर करता है, और जितनी कीमतें नहीं बढ़ती वो सारा का सारा प्रोड्यूसर बियर करता है। यानी कि यहां पे देखिए ये कीमत बढ़ गई है टैक्स लगने के बाद, यानी कि ये जो हिस्सा है एसी ये कंज्यूमर ने बियर किया, क्योंकि कीमत जो है टैक्स लगा एबी के बराबर लेकिन कीमत बढ़ी है एसी के बराबर, तो ये टैक्स हिस्सा कंज्यूमर ने बियर किया और जो सीबी हिस्सा है वो प्रोड्यूसर ने बियर किया, वो प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ा। इसी तरीके से यहां पे भी सेम बात है, यानी कि जो सी है एसी वो कंज्यूमर ने बियर किया और जो बीसी है ये वाला ये प्रोड्यूसर ने बियर किया। यानी कि कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड पे कर लगता है कंज्यूमर पे कर लगता है तो डिमांड का लेफ्टवर्ड चला जाएगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर बियर करेगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ता तो टैक्स का बर्डन को प्रोड्यूसर बियर करेगा। सेम रूल यहां पर अप्लाई होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हम टैक्स को प्रोड्यूसर पे लगा रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी का असर टैक्स बर्डन पे क्या पड़ता है। मतलब हमारा फोकस है ये पता करना कि टैक्स बर्डन का इलास्टिसिटी से क्या संबंध है। तो देखिए यहां पे हमें कंक्लूजन क्या है ये एक बार हम ये देख लेते हैं कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक, मोर टैक्स बर्डन विल बी बॉर्न बाय सेलर और प्रोड्यूसर। If demand for commodities is inelastic, more tax burden will be borne by the buyer. यानी कि अगर डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो टैक्स का बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, और डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है तो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पड़ेगा। बेसिकली हमें ये समझाना है बच्चों को कि किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने टैक्स का डिवीजन को बांटते हैं एक दूसरे के साथ में। तो बच्चों हम यहां पे एक अलग से डायग्राम आपको बना के समझा देते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं कि जो ईडी है वो मोर इलास्टिक है
और इस जगह मान लेते हैं कि जो ईडी है वो लेस इलास्टिक है, इस जगह मान लेते हैं कि ईडी जो है वो इक्वल टू वन है, यानी कि जितनी इक्वल इलास्टिक है। दो डायग्राम और बना लेते हैं, एक मान लेते हैं कि परफेक्टली ईडी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, और एक केस में मान लेते हैं कि ईडी जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। और हम ये पता करते हैं कि टैक्स का बर्डन किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बियर करते हैं। सुविधा के लिए हम सप्लाई कर्व को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं, यानी कि हर कंडीशन में जो सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि हम सप्लाई कर्व में किसी तरीके का चेंज नहीं कर रहे, उसको हम इक्वल टू वन मान लेते हैं। सारा जो चेंज होगा वो डिमांड में होगा, मैं आपको डिमांड कर्व एक बार बना के दिखा देता हूं। देखिए इस केस में क्योंकि मोर इलास्टिक है इसलिए डिमांड कर्व इस तरीके का बना दिया, ये मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है, यानी कि इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। इसी तरीके से लेस इलास्टिक का मतलब इस तरीके का डिमांड कर्व होगा, यानी कि ये ए हो गया, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वल टू वन का मतलब है कि ना फ्लैटर होगा ना इस तरीके का डिमांड कर्व, ना स्टीपर होगा, ए हो गया, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इस तरीके का डिमांड कर्व हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने ए बोल दिया है। और इस केस में क्योंकि इस तरीके का डिमांड कर्व हुआ, इसको ए बोल देते हैं, ये प्राइस। हम ये मान के चल रहे हैं कि सेलर पे टैक्स लग रहा है, और सेलर पे टैक्स लगने की वजह से जो सेलर का सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि सभी परिस्थितियों में सेलर पे टैक्स लग रहा है। जैसे इस परिस्थिति में भी सेलर पे टैक्स लगा, ठीक है, इस परिस्थिति में भी सेलर पे टैक्स लगा, इस परिस्थिति में भी सेलर पे टैक्स लगा, कंपैरेटिव एनालाइज करके दिखा रहे हैं, इस परिस्थिति में भी सेलर पे टैक्स लगा और इस परिस्थिति में भी सेलर पे टैक्स लगा। यानी कि इस केस में आप देखोगे तो ये सप्लाई कर्व हो गया एस एस, यानी कि इस केस में जो टैक्स अमाउंट है वो बी से लेकर सी तक है, लेकिन इस केस में आप देख पा रहे होंगे जो प्राइस बढ़ा है वो केवल बढ़ा है पी वन, यानी कि इस केस में जो अगर हम इसको डी बोल देते हैं तो जो हमारा बी डी है बी से लेकर डी तक ये वाला वो पड़ा है कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, और जो डी सी है वो बियर किया है प्रोड्यूसर ने। यानी कि डायग्राम आपको साफ साफ बता रहा है कि टैक्स का जो ज्यादातर वर्डन है वो प्रोड्यूसर के द्वारा बियर किया गया है, यानी कि इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक, डिमांड क्या है मोर इलास्टिक है, तो टैक्स का ज्यादातर बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर ही बियर करेगा। इसी तरीके से यहां पर हम देखें तो ये टैक्स बर्डन है, मान लीजिए ये बी है, ये मान लीजिए बी है और बी से लेके ये सी तक है, ये सी है, ये डी है, यानी इस केस में बी डी जो है वो कंज्यूमर के पास पड़ा और जो सी डी है वो प्रोड्यूसर के पास पड़ा। और साफ साफ नजर आ रहा है कि कंज्यूमर ने ज्यादा टैक्स का बर्डन बियर किया है, क्योंकि कंज्यूमर का जो एरिया है वो बड़ा है, प्रोड्यूसर का एरिया कम है, यानी कि जो कीमत बढ़ी है वो कम बढ़ी, ज्यादा बढ़ी है। इसका मतलब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर डिमांड मोर इलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर बियर करेगा, और डिमांड अगर लेस इलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर बियर करेगा, और अगर टैक्स और डिमांड अगर इक्वल इलास्टिक है जैसा कि यहां पे दिखाया हुआ है, तो आप देखिए टैक्स के बर्डन को दोनों बराबर बराबर ही बियर करेंगे, यानी कि ए से लेके सी तक, सॉरी ए बी सी और डी, यानी कि जो बी डी है वो कंज्यूमर ने बियर किया और जो सी डी है वो प्रोड्यूसर ने बियर किया, लेकिन जो अमाउंट है टैक्स का वो बराबर बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर बराबर टैक्स बियर करेंगे। यानी कि बच्चों हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड कर रही है कि टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा, कंज्यूमर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये वाली, मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि जो टैक्स अमाउंट है वो ये वाला है,
यानी कि ये टैक्स अमाउंट है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस कांस्टेंट रहा, यानी कि टैक्स का सारा हिस्सा, ऑल टैक्स ऑन प्रोड्यूसर, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ा ना बच्चों। इसी तरीके से इस वाले केस में जो टैक्स अमाउंट है वो है ए से लेके बी तक का, जो कि प्राइस बढ़ने के बराबर है, यानी कि ऑल टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं आपको यहां पे फिर से दिखा देता हूं हमने क्या लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक, मोर ऑफ द टैक्स बर्डन विल बी बॉर्न बाय द सेलर। इफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इलास्टिक, मोर ऑफ टैक्स बर्डन विल बी बॉर्न बाय द बायर। यानी कि आप इसको एक थंब रूल मान सकते हो कि जितनी ज्यादा डिमांड मोर इलास्टिक होगी, जितनी ज्यादा डिमांड मोर इलास्टिक होगी, टैक्स का उतना ही ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम पांच चीजों के नाम बताएं, जैसे मान लीजिए दूध है, पनीर है, पेट्रोल है, नमक है, अगर ऐसी वस्तुओं पे टैक्स लगता है तो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो बिना इनके रहे नहीं सकता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है जो लग्जरी है, जैसे गोवा में मान लीजिए पिकनिक मनाना, मूवी की टिकट, अगर इस पर टैक्स लगता है तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्रोड्यूसर बियर करेगा, क्योंकि कीमत बढ़ने से ऐसी वस्तु की डिमांड में ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इलास्टिक, मोर ऑफ टैक्स बर्डन विल बी बॉर्न बाय द बायर। यानी कि वहां पर उल्टा था, डिमांड अगर मोर इलास्टिक होगी तो कंज्यूम प्रोड्यूसर से रहेगा, लेकिन सप्लाई अगर मोर इलास्टिक होगी तो सारा का सारा अधिकतर बर्डन जो है वो कंज्यूमर बियर करेगा, और अगर सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर बियर करेगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिमांड कर ले लेते हैं, हम पांच डायग्राम बनाते हैं बच्चों, छोटे छोटे या थोड़े बड़े बना लेते हैं, इसमें क्या बात है, पेज हमारे पास बहुत है। लीजिए पहले आप ये दो कंसेप्ट समझ लीजिए, चलिए इन दो को बना देते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम सप्लाई को हम चेंज कर रहे हैं इसलिए डिमांड को हम एक जैसा मान लेते हैं। मान लीजिए ये डिमांड है, डिमांड हम एक जैसा रख लेते हैं, और एक केस में सप्लाई को लेस इलास्टिक बना देते हैं और एक केस में सप्लाई को मोर इलास्टिक बना देते हैं। यहां पर जो है ई एस है वो मोर देन वन है, और यहां पे ES जो है वो लेस देन वन है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए ये आ गया है हमारा A, ये प्राइस है P, क्वांटिटी है Q। इसी तरीके से मान लीजिए ये है हमारा A, क्वांटिटी है Q, प्राइस है P। अब मान लीजिए दोनों कंडीशन में टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद जो हमारा आप एक तरीके से कह सकते हो जो सप्लाई कर्व है वो सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ये इस तरीके से, ऐसे। तो इस केस में आप देखिएगा ये हमारा टैक्स का बर्डन है बी से लेके ये वाला डी तक का, ये टैक्स बर्डन है, और सी जो है क्योंकि कीमत जो बढ़ेगी वो केवल इतनी बढ़ेगी, यानी कि जो बीसी है बीसी वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा कंज्यूमर, और जो सीडी है वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा प्रोड्यूसर। इसका मतलब बच्चों सिंपल तरीके से ये हुआ कि जितनी ज्यादा सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, जितनी ज्यादा सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, टैक्स का बर्डन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, और अगर मोर इलास्टिक होगी तो देखिए ये हमारा टैक्स है बी से लेके डी तक का, और कंज्यूमर जो बियर कर रहा है वो पी वन कर रहा है, यानी कि बी और सी जो है वो कंज्यूमर बियर कर रहा है, और जो सी डी है वो प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। तो सिंपल मतलब बात वही हुई कि सप्लाई अगर मोर इलास्टिक होगी, सप्लाई अगर
मोर इलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे ज्यादा पड़ेगा, और सप्लाई अगर लेस इलास्टिक होगी तो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर पे ज्यादा पड़ेगा। एक पेज के माध्यम से मैं और समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए सप्लाई जो है, सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, इस तरीके से सप्लाई हो, यह मान लीजिए सप्लाई है, या इस तरीके से सप्लाई हो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, और ये मान लीजिए डिमांड है, डिमांड को हम कंसीडर ज्यादा नहीं कर रहे इसलिए डिमांड को हम बिल्कुल सिंपल मान लेते हैं। तो इस केस में ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब मान लीजिए टैक्स लगता है, तो टैक्स लगने के बाद ये सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो टैक्स अमाउंट है वो है बीसी, और जो प्राइस बढ़ा है वो भी बीसी के बराबर बढ़ा है, यानी कि जो टैक्स है उसको कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा कंज्यूमर। यानी कि जिस केस में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है उस केस में टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर ही बियर करता है, प्रोड्यूसर 1% भी उसका नहीं वसूलता। और इस वाले केस में क्योंकि सप्लाई टैक्स लगने के बाद, क्योंकि सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसलिए किसी भी तरीके का सप्लाई कर्व में चेंज नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसकी वजह से टैक्स का सारा जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे सॉरी प्रोड्यूसर पे ही पड़ेगा, यानी कि प्रोड्यूसर पे ही सारा का सारा बर्डन पड़ेगा, कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल भी टैक्स बर्डन बियर नहीं करेगा। आप चाहो तो इसमें डिमांड में कमी करके आप दिखा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, हालांकि ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए डिमांड कर्व में कमी आती है तो जो टैक्स बर्डन है, मान लीजिए ये टैक्स है ए बी, ये टैक्स है, लेकिन इसका सारा का सारा बर्डन जो है, क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ा ना, इसलिए कौन बियर करेगा, इसको बियर करने का काम जो है वो प्रोड्यूसर ही करेगा। तो बच्चों सिंपल, बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश करें, तो आप पॉइंट रख लीजिए दिमाग में कि डिमांड जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतना ही टैक्स जो पड़ेगा वो पड़ेगा प्रोड्यूसर के ऊपर, और सप्लाई जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतना ही टैक्स का बर्डन पड़ेगा कंज्यूमर के ऊपर। बस इस वाले दो पॉइंट को आप याद रखिएगा, और सारे डायग्राम आप बना सकते हो। एक डायग्राम हमारा बच जाता है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर है उस केस में टैक्स का बर्डन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बांट लेंगे, डायग्राम बच्चों यही वाला बनेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बना रहा हूं, यानी कि सप्लाई भी इलास्टिक है डिमांड भी इलास्टिक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर यही समरी निकल के आ रही है कि डिमांड अगर मोर इलास्टिक है तो कौन बियर करेगा, डिमांड अगर मोर इलास्टिक है, यानी कि डिमांड मोर इलास्टिक है तो बियर करेगा प्रोड्यूसर, और अगर सप्लाई मोर इलास्टिक है तो बियर करेगा कंज्यूमर। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।